पिछले हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे तो रोमन रेंग्स की पिटाई रेटेड आर सुपरस्टार एज ने कर डाली। क्या 2 जुलाई 2021 की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे बिग डॉग ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स एज से अपनी पिटाई का बदला ले पाएंगे? जिमी उसो और जे उसो क्या करेंगे? साथ में पिछले हफ्ते सेथ रोलिंग्स ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप की करी थी डिमांड, क्या हमें सेथ रोलिंग्स भी अभी भी यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में ही देखने को मिलेंगे? इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कई सारी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। बॉबी लेशली वर्सेस कोफी किंगस्टन के मैच में क्या होगा? बिग ई ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में क्या कहा? साथ में क्या रोमन रिंग शील्ड की रीयूनियन करना चाहते हैं? करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं बॉबी लेशली वर्सेस कोफी किंगस्टन के WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में। ये मैच हमें मनी इन द बैंक 2021 पेपर व्यू पे देखने को मिलेगा। WWE के लेजेंड बुकर टी का कहना है कि बॉबी लेशली को कोफी किंगस्टन को एक स्क्वाश मैच में 9 सेकंड से भी पहले मैच में हरा देना चाहिए। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने कोफी किंगस्टन को WWE चैंपियनशिप मैच में 9 सेकंड में हराया था। बुकर टी का मानना है कि अगर बॉबी लेशली को ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करना है तो उन्हें कोफी किंगस्टन को एक स्क्वाश मैच में हराना पड़ेगा, जहां पे बॉबी लेशली को कोफी किंगस्टन को 8 सेकंड में हरा के इस चैंपियनशिप को रिटेन करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों WWE इस मैच को एक स्क्वाश मैच के तौर पे सेटअप कर सकती है, जहां पे बॉबी लेशली कोफी किंगस्टन को हरा के 8 सेकंड में ही अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बिग ई ने कहा कि इस साल 2021 में वो मनी इन द बैंक मेंस कैटेगरी का लैटर मैच जीतना चाहते हैं और ब्रीफकेस अपने पास जीत के रखना चाहते हैं। रोमन रेंस उनके टारगेट हैं, पर बिग ई का मानना है कि वो साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी मनी इन द बैंक 2021 पेपर व्यू पे जीतना चाहते हैं। बिग ई ने WWE बंप शो में कहा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो काबिल है, क्योंकि उन्होंने अपना मनी इन द बैंक क्वालिफायर अपोलो क्रूज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को हरा के जीता है। यानी कि दोस्तों हम एक बड़ा शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है MITB 2021 पे, जहां पे बिग ई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और साथ में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी जीतते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेव मेल्टर ने ड्रू मैकइंटायर के बारे में क्या कहा? लगातार पिछले एक साल से ज्यादा ड्रू मैकइंटायर हमें मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट सीन यानी कि टाइटल पिक्चर में देखने को मिले हैं। अब तो रूमर्स भी आने लगे हैं कि ड्रू मैकइंटायर WWE ड्राफ्ट में हमें ड्राफ्ट होकर स्मैकडाउन में जाते हुए दिखेंगे, पर डेव मेल्टर का कहना है कि ड्रू मैकइंटायर को WWE अब टाइटल पिक्चर से दूर ही रखेगी, चाहे वो मंडे नाइट रॉ हो या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो। WWE साल 2021 में ड्रू मैकइंटायर को WWE चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका नहीं देना चाहती। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं शील्ड के रीयूनियन के बारे में, यानी कि सेथ रोलिंग्स, डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंग्स के बारे में। इन तीनों ने WWE में धमाका मचा के रखा जब ये तीनों एक साथ हुआ करते थे। रिसेंटली दोस्तों WWE ने अपनी बेस्ट टैग टीम की भी लिस्ट जारी करी, जहां पे न्यू डे नंबर 1 टीम बन के उभरी, जहां पे शील्ड को 22वां नंबर दिया गया। रोमन रेंग्स से पूछा गया क्या वो फ्यूचर में शील्ड का रीयूनियन करने में इंटरेस्टेड हैं। रोमन रेंग्स ने साफ नकार दिया। रोमन रेंग्स ने कहा कि पुराने जमाने में, पुराने वक्त में जो शील्ड ने करा वो उसकी बेहद ही इज्जत करते हैं, पर अब रोमन रेंग्स का सिर्फ एक ही एम है कि वो एज ए सिंगल सुपरस्टार WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार बने। इसीलिए वो डीन एम्ब्रोस और सेथ रोलिंग्स के साथ साल 2021 या 22 में रीयूनियन करने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि WWE हमें 2 जुलाई 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या क्या दिखाएगा। WWE ने अनाउंस कर दिया है कि हमें मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ायन के बीच में, और ये मैच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा। दोस्तों इस मैच में पूरी उम्मीद है कि
कि केविन ओवंस जीतेंगे, सैमी जैन को हराएंगे और लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच जीत के MITB ब्रीफकेस के लिए मेंस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। यानी कि केविन ओवंस वर्सेस सैमी जैन के मैच में मेरी प्रेडिक्शन केविन ओवंस के साथ है। इसके अलावा दोस्तों हमें बेली भी एक क्वालिफाइंग मैच जीतती हुई दिखेगी वुमेन्स MITB मैच के लिए और उनका टारगेट बियांका बेलेयर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बन सकती है। इसके अलावा हमें कार्मेला और लिव मॉर्गन के बीच में भी फेस ऑफ होता हुआ दिख सकता है और हमें लिव मॉर्गन फाइनली MITB ब्रीफकेस मैच के लिए क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती हैं। दोस्तों सेथ रोलिंग्स ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए, पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप में अभी भी हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज ही देखने को मिलेंगे। इसीलिए सेथ रोलिंग्स की पुरानी राइवलरी सिजारो के साथ रिज्यूम होगी और इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें सेथ रोलिंग्स वर्सेस सिजारो के बीच में एक मनी इन द बैंक लैडर मैच का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिल सकता है, जहां पे सेथ रोलिंग्स सिजारो को हरा के MITB ब्रीफकेस के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आ सकते हैं MITB PPV पे। दोस्तों इसके बाद हमें बिग ई अपोलो क्रूज को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते अपोलो क्रूज को बिग ई ने क्वालिफाइंग मैच में हराया था। इस मैच के दौरान दोस्तों फिर से कमांडर अजीज बिग ई पे अटैक कर सकते हैं और अपोलो क्रूज जैसे तैसे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आ सकते हैं। पर दोस्तों मेन इवेंट तो होगा धमाकेदार, हमें रेटेड आर सुपरस्टार का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे पहले वो रेसलमेनिया 37 और फिर पिछले हफ्ते रोमन रिंग्स पे अटैक के बाद अपनी कुछ बातें कहेंगे। पर बिग डॉग रोमन रिंग्स यूनिवर्सल चैंपियन जिमी ऊसो और जे ऊसो के साथ मिलके रेटेड आर सुपरस्टार पे अटैक करेंगे और पिछले हफ्ते का बदला रोमन रिंग्स रेटेड आर सुपरस्टार से इस हफ्ते लेने की कोशिश करेंगे। पर रोमन रिंग्स के पास एक परेशानी है, जिमी ऊसो काबिल है नहीं और जे ऊसो पिछले हफ्ते हमें देखने को नहीं मिले थे, जिस वजह से रोमन रिंग्स काफी ज्यादा नाराज थे। हो सकता है जिमी ऊसो रेटेड आर सुपरस्टार एच को एक मैच के लिए चैलेंज करें और जिमी ऊसो रोमन रिंग्स से कहें कि मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि मैं कितना काम का हूं। पर दोस्तों पूरी उम्मीद है कि रोमन रिंग्स जे ऊसो और जिमी ऊसो के साथ मिलकर इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रेटेड आर सुपरस्टार से अपने पिछले हफ्ते की पिटाई का बदला लेने की कोशिश करेंगे और यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में और भी ज्यादा रोमांच जगाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, रोमन रिंग्स अपना बदला ले पाएंगे रेटेड आर सुपरस्टार से? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।